तो देखो यहाँ पे ए बी जो एक रेखाखंड है उसके मैंने 7 भाग किए। 7 समान भाग करने के लिए मुझे उसमें 7 6 काट मारनी पड़ी। कितनी काट मारनी पड़ी? 6 काट, है ना। लेकिन अगर मैं 6 काट ना मारते हुए ये तीसरा बिंदु है ना, तीसरा काट, वहाँ पे मैं अगर 3 मार रहा हूँ काट, तो पहला 3 भाग समान होगा, मतलब 3 भाग जितना होगा, और दूसरा भाग 4 भाग जितना होगा, है ना। दोनों समान नहीं होंगे, तो ये 3:4 में उसका विभाजन हो रहा है। ये रेखाखंड का 3:4 के अनुपात में विभाजन हो रहा है, मतलब 3:4 ना गुणोत्तर में विभाजन थाय, है ना। तो आने आप शू कही M1 M2। पहला भाग को क्या बोलेंगे? M1 बोलेंगे। दूसरे भाग को क्या बोलेंगे? M2 बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, तो मुझे ये बिंदु मेरे को जानना है। अगर मेरे पास ए बिंदु है x1 y1 और बी बिंदु का निर्देशांक है x2 y2। ए बिंदु ना याम छे x1 y1 और बी बिंदु ना याम छे x2 y2। और यहाँ पे तीसरे बिंदु पे मतलब इसका नाम दे देता हूँ मैं पी। तो पी का याम कितना होगा? पी का निर्देशांक कितना होगा? तो पी के निर्देशांक का सूत्र क्या है पता है आपको? तो पी का जो याम होगा ना, वो ऐसा कुछ होगा, ये M1 है ना, उसको इसके साथ गुणा करना है, और M2 है ना, उसको इसके साथ गुणा करना है, उल्टा करना है, क्रॉस करना है ना। कैसे करना है? M1 उसको X2 के साथ गुणा करना है, प्लस M1 को X2 के साथ, और M2 को X1 के साथ गुणा करना है, बटे में M1 प्लस M2 मिलेगा। उसका Y जानना है तो M1 का Y2 के साथ गुणा करना है, प्लस M2 का Y1 के साथ गुणा करना है, बटे में M1 प्लस M2 करना है। समझ में आया किस कैसे करना है? बिंदुओं 4 -3 और 8-5 ने जोड़ता रेखाखंडन 3:1 गुणोत्तर अंत विभाजन करता बिंदुओं याम शोधो, है ना। तो देखो, पहली बात तो मैं यहाँ पे रेखाखंड बना देता हूँ, है ना। ये रेखाखंड में ये पहला बिंदु जो है उसको मैं नाम दे देता हूँ ए, 4 -3 -3। दूसरा बिंदु यहाँ पे लास्ट में है उसका नंबर दे देता हूँ 8-5। हो गया, ये ए बी रेखाखंड हो गया। रेखाखंड कौन सा हुआ? ए बी, है ना। उसका विभाजन करना है 3:1 में। मतलब कितना कितने भाग हो जाएंगे उसके? टोटल कितने हैं? 3 और 1 कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। तो इसके 4 भाग हो जाएंगे। कितने भाग हो जाएंगे? 4, है ना। तो इसके लिए कितनी काट मारनी पड़ेगी? 3 काट, 1 2 3 काट मारेगी, तो 4 भाग हो जाए, हो गए। अब मुझे ये 3:1 में जो गुणोत्तर कर रहा है ना, तो पहले में मेरे को 3 भाग चाहिए। कितने भाग चाहिए? 3। तो M1 बराबर क्या हो गया? 3। और दूसरे में मेरे को कितने भाग चाहिए? 1। तो M2 बराबर कितना हो गया? 1। समझ में आया सबको? चलो, तो ये बिंदु जो है वो 3:1 का मैं विभाजन करता है, उसको मैं नाम दे देता हूँ P, और उसका मैं याम मतलब निर्देशांक लिख देता हूँ, याम लिख देता हूँ X Y, है ना। तो इसके ऊपर से मैं वाक्य लिखूँगा, गुजराती में पहले लिखूँ छूँ कि बिंदुओं प्रश्न लिखूँ छू, एमाथी ज आपणे लखवानुं छे। धारो के बिंदुओं ए, नाम आपू ने अपने, अरे नाम आपू पड़ से ने, 4 3 4 -3 और पची शू लिखू जे 8-5, पण एनु नाम शू आपू? बी, 8-5 ने जोड़ता रेखाखंड, ने जोड़ता रेखाखंड कयो बहनों? ए बी ने जोड़ता रेखाखंड ए बी नो क्या गुणोत्तर में विभाजन करवानु छे? 3:1। तो आपणे तो एनुं नाम आप्युं M1 M2 नो M1 M2 बराबर 3:1
ना गुणोत्तर में विभाजन करतो बिंदु, विभाजन करतो बिंदु क्यों बिंदु छे? विभाजन करतो बिंदु पी एक्स वाई छे। शू छे? पी एक्स वाई। ये याम लिखा है ना, याम की जगह हिंदी में लिखना है आपको निर्देशांक। क्या लिखना है? निर्देशांक। ठीक है, ओके। चलो ऐसा एक वाक्य लिख देंगे जो हमने माना है। चलो अभी हमें क्या ढूंढना है? पी ना पी एक्स वाई, मतलब पी एक्स वाई ढूंढना है। तो मतलब पी ना एक्स याम, पी का एक्स निर्देशांक। तो दोनों अलग अलग ढूंढ सकते हैं पी का। अच्छा पहले इसको हिंदी में कैसे लिखना है? आपको हिंदी में लिखना होगा ना, तो लिखो। माना कि बिंदु, माना कि बिंदु ए फोर माइनस थ्री अने बी आठ पाँच ने जोड़ता रेखाखंड ए बी नो, सॉरी को जोड़ने वाले, को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी का, को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी का एम वन जेम एम टू, एम वन जेम एम टू बराबर तीन जेम एक के अनुपात में, के अनुपात में विभाजन करने वाला बिंदु, के अनुपात में विभाजन करने वाला बिंदु पी एक्स वाई है। आया समझ में? चलो अभी क्या करना है? पी नौ एक्स याम अथवा तो पी का एक्स निर्देशांक। बराबर क्या होगा इसके बराबर? क्या होगा पी का एक्स निर्देशांक? क्या है? एक्स लिखा है ना यहाँ पे, एक्स निर्देशांक एक्स है तो एक्स ले लेते हैं। एक्स बराबर सूत्र क्या है? एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन, उल्ट क्रॉस करना है ना, अपॉन एम वन प्लस एम टू। समझ में आया? चलो अभी एम वन कितना है? तीन। एम वन कितना है? तीन। एक्स टू कितना है? तो एक्स टू के लिए क्रॉस में सामने जाने का आठ। एक्स टू कितना दिख रहा है? एक्स टू कितना है यहाँ पे? आठ। एम वन पहले लिया हमने तीन, एक्स टू कितना लेना है? आठ। प्लस एम टू कितना लेना है? वन। एक्स वन कितना लेना है क्रॉस में जाने का, इधर आने का, है ना, चार। एक्स कितना है? एक्स वन चार अपॉन एम वन प्लस एम टू, मतलब तीन प्लस एक बराबर आठतिया चौबीस, प्लस चार एकम चार, प्लस बटे में तीन प्लस एक अपॉन थ्री प्लस वन फोर, चौबीस और चार ट्वेंटी एट अपॉन फोर, सात चौके अट्ठाईस होता है। तो हमें एक्स मिल गया। इसी प्रकार वाई ढूंढना है, पी का वाई निर्देशांक ढूंढना है। वाई निर्देशांक वाई बराबर एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू बराबर, एम वन क्या है? तीन। वाई टू क्या है? उसके सामने जाने का क्रॉस में वाई लेने का पाँच, प्लस एम टू वन, और उसके सामने क्या जाने का? इधर जाने का, उसका वाई लेने का माइनस थ्री अपॉन एम वन थ्री प्लस एम टू वन, पाँच तिया पंद्रह,
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तीन एकम तीन, अपॉन तीन और एक चार, 15 माइनस 3 12, अपॉन फोर, कितना आएगा आंसर, y बराबर 3। तो हमारा आंसर भी लिखना पड़ेगा ना, तो ये जो पूरा लिखा है ना धारों के, वही वाला वाक्य पूरा लिख देने का, और लास्ट में यहाँ पे P एक्स वाई की जगह उसका आंसर लिख देने का, 7 3 है ना। क्या लिखना है, बिंदुओं A 4 माइनस 3 अन्य B 8 5 ने जोड़ता रेखाखंड ए बी नो एम वन जेम एम टू बराबर 3 3 1 ना गुणोत्तर में विभाजन कर, तो बिंदु पी 7 3 6, ऐसा हिंदी में लिख देने का, ठीक है। जो बिंदुओं ए बी सी और डी, हवे ए बी और सी में छे ने याम आपेला छे 6 1 8 2 9 4, डी में आपने छे ने एक्स याम नहीं आपेलो, एनी जगह पी किंमत लखेली छे है ने, अने 3 आपे वाई याम आपेलो छे, तो एनु कई काम नहीं। ए आज क्रम में समांतर बाजू चतुष्कोणना शिरोबिंदुओ होय तो पी नी किंमत शोधो। हवे मने कहेशो के समांतर बाजू चतुष्कोण होय तो एनो एनी आकृति केवी थाय। जो समांतर बाजू चतुष्कोण होय तो आपणने खबर छे के सामसामेनी बाजुओ समान आवे, समांतर बाहु चतुर्भुज में क्या होता है, सामने सामने की भुजाएं समान होती है, मतलब ये समान और ये दोनों समान और ये दोनों समान। चलो दूसरा यहाँ पे क्या है, हाँ बिंदु दिए हैं ए बी सी डी, यही क्रम में बोला है तो यही क्रम में लिख दिया हमने है ना, तो इसका है 6 1, इसका है 9 4, इसका है अरे सॉरी इसका है 8 2, ओके 8 2, इसका है 9 4 और इसका है P 3। अब मुझे ये बताओ कि इसके विकर्ण क्या होंगे, विकर्ण के बारे में कुछ बता सकते हो, समांतर बाजू चतुष्कोण के उसके विकर्ण के बारे में कुछ भी बताओ, जितना भी आपको याद हो, जितना भी पता हो, 9th कक्षा में आप पढ़े हो, बोलो बोलो जीत मितेश, समांतर बाजू चतुष्कोण ना विकर्णों केवा होय, सरखा तो ना जो नाना मोटा होय परंतु केवा होय, एनु लक्षण शू छे, बोलो सुलेखा। दोनों विकर्ण असमान है, समान तो नहीं है असमान है, लेकिन उसके अलावा एक दो बन्ने विकर्ण जो छे, हाँ गुजराती में नहीं 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 नेवंशना खण नहीं छेदे, कारण के एनी बाजुओ सरखी नथी ने, साम पेली चारे बाजुओ सरखी होय ने तो नेवंशना खूणे छेदे, बराबर छे। तो समांतर बाजू चतुष्कोण के ना बन्ने विकर्णों एकबीजाने दुभागे, खबर छे तमने, हाँ मतलब समांतर बाजू चतुष, हिंदी में बोले तो समांतर बाहु चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो भागे मतलब समद्विभाजित करते हैं, मतलब बे सरखा भाग पाड़े है ना, तो एसी छे ते बीडी ना बे सरखा भाग पाड़े अने ए बीडी छे ते एसी ना बे सरखा भाग पाड़े, साची बात के खोटी बात, तो अहीं लखी दईए आपणे समांतर बाजू चतुष्कोण समांतर बाहु चतुर्भुज ना विकर्णों, समांतर बाजू चतुष्कोण ना विकर्णों क्या है, पहला समांतर बाजू चतुष्कोण नाम लखी दिए ने, समांतर बाजू चतुष्कोण ए बी सी डी ना विकर्णों, विकर्णों क्या है, विकर्ण कौन से हैं, एसी और बी डी, एसी और बी डी एक बीजा ने कोई बिंदु नु नाम आपी दे, अहीं एम नाम आपी दे, एम एम नहीं आपी अपने कहीं पी नाम आपी दी, एम है ना, पी बिंदु है दू भागे छे एटले के बे सरखा भाग पड़े छे, दू भागे बे सरखा भाग पड़े छे,
दुभाग्य छे। अने हिंदी में लिखे तो समांतर बाहु चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को पी बिंदु पे समद्विभाजित करते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे? समद्विभाजित करते हैं। क्या लिखेंगे? समद्विभाजित, है ना, समद्विभाजित करते हैं। ओके चलो, तो पी बिंदु पे समद्विभाजित करें मतलब समान भाग पड़े तो मैंने एम कहो कि बने गुणोत्तर केटलो थशे। समान भाग पड़े मानो कि आप रेखाखंड है एने बराबर बराबर वच्चे थी हूँ बे सरखा भाग पाड़ू तो गुणोत्तर केटलो थाय मने कोई कहसे? बराबर वच्चे कापो मारू तो बन्ने भाग केटला हशे? सरखा सरखा हशे? आपण एक ज भाग छे, आपण एक ज भाग छे तो गुणोत्तर केवो थशे? एक जेम एक थशे, एक जेम एक, है ने? तो गुणोत्तर एक जेम एक थाय ने तो मध्य बिंदु होय, एने शुं कहेवाय? मध्य बिंदु कहेवाय। शुं कहेवाय? मध्य बिंदु। અને મધ્ય બિંદુ હોય એટલે બંનેનો ગુણોત્તર સરખો થાય, સરખા ભાગ પાડે, હે ને? તો સરખા ભાગ પાડે મધ્ય બિંદુ બનાવવું હોય તો આપણે એનું સૂત્ર કેવું બને? તો એમ વન અને આ એમ વન થઈ ગયું આપણું, આ એમ ટુ થઈ ગયું, આ એમ ટુ થઈ ગયું। ચલો પહેલાં હું દાખલો નથી ગણાવતો, પહેલાં આપણે સૂત્રને સમજીએ। માની લો કે આપણું એક્સયામની વાત કરીએ કે વાયયામની વાત કરીએ, હે ને? તો એક્સયામ માટે સૂત્ર શું બને? એક્સયામ બરાબર સૂત્ર શું હતું આપણું? एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन छेद में एम वन प्लस एम टू हतु सूत्र। हवे एम वन अँ के छे? एम वन वन एक्स टू जे हो प्लस एम टू के एपन वन एक्स वन जे होद में एम वन प्लस एम टू एट्ले कि एक वन प्लस वन तो शू सूत्र बने? एक्स टू गुणिया वन एट एक्स टू, एक्स वन गुणिया वन एट एक्स वन छेद में वन प्लस वन टू, है ने? हजू आप एक्स वन एक्स टू ने आग पाचड़ लखीए तो चले ने? एक्स वन प्लस एक्स टू लखीए तो हूँ वाधो कहीं वाधो? बे प्लस त्रन पांच थाय, त्रन प्लस बे करिए तो पांच थाय। तो आ सूत्र शेनु बन्यु? मध्य बिंदु सूत्र बन्यु। शेनु बिंदु? शेनु सूत्र बन्यु? मध्य बिंदु ना यामनु सूत्र, बराबर छे? तो मध्य बिंदु ना यामनु सूत्र शू बने? एक्स नु सूत्र शू बने? एक्स वन प्लस एक्स टू ना छेद मा बे। अने वाई यामनु सूत्र शू बने? वाई वन प्लस वाई टू ना छेद मा बे। आवी रीते सूत्र बने, है ने? अने आ बने मने एम कहो जो आपड़ी आकृति जे छे समांतर बाजु चतुष्कोण हमारी जो आकृति है उसके अंदर मुझे बताओ कि ये ए सी और बी डी का पी जो है वो ए सी और बी डी का मध्य बिंदु बना कि नहीं? पी जो है वो ए सी और बी डी का मध्य बिंदु हुआ कि नहीं? हाँ के ना? आकृति में पी जो है वो समान भाग कर रहा है ना? हाँ के ना? हाँ, तो फिर वो पी मध्य बिंदु हुआ कि नहीं? एसी का मध्य बिंदु भी पी हुआ और बीडी का मध्य बिंदु भी पी हुआ, हुआ कि नहीं? हाँ या ना? ओके, आम पी एसी अने बीडी नू मध्य बिंदु बने, है ना? हवे जो आपणी पासे पी जो है वो ए सी और बी डी का मध्य बिंदु बनेगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ए बी सी डी चारों की बात करें तो उसका वाययाम तो है, चारों का वाययाम है कि नहीं? तो उसका तो कोई काम नहीं है हमें, जिसका नहीं है वो उसका काम है। तो क्या नहीं है हमारे पास? एक्सयाम नहीं है। किसका एक्सयाम नहीं है? डी का एक्सयाम नहीं है, नहीं है ना? डी का एक्सयाम है ना? तो डी का एक्सियम नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एसी का मध्य बिंदु बराबर पीडी का बीडी का मध्य बिंदु, है ना? पी बराबर बोल सकते हैं एसी का, एसी नु मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु बराबर बीडी का मध्य बिंदु बोल सकते हैं ना? यस और नो?
हाँ, तो एसी का मध्य बिंदु है तो हमें मध्य बिंदु का पूरा सूत्र नहीं चाहिए, क्योंकि वाई याम तो हमारे पास है, हमें एक्स याम चाहिए। तो एसी का एसी नो एक्स याम, एसी का एसी हिंदी में लिख रहा हूँ, एसी का याम की जगह निर्देशांक लिखना है ना, एसी का एक्स निर्देशांक बराबर बीडी का, अरे एसी का नहीं, पी का, एसी के मध्य बिंदु का का एक्स निर्देशांक बराबर बीडी के मध्य बिंदु का एक्स निर्देशांक, दोनों का एक्स निर्देशांक समान होना चाहिए ना, क्योंकि एक ही तो है, मतलब पी का नहीं एक्स निर्देशांक होना चाहिए ना। चलो एसी के मध्य बिंदु का एक्स निर्देशांक का सूत्र क्या होगा, अगर ये 6 है तो एसी में क्या लेना पड़ेगा, मैं सूत्र ये सूत्र के हिसाब से क्या लेना पड़ेगा एसी में, पहले एक्स का ले लेते हैं 6 प्लस बी सी का ले लेते हैं 9, बट्टे में क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, बराबर बी डी के मध्य बिंदु, बी डी में क्या है एक्स निर्देशांक 8 और पी, तो 8 प्लस डी का क्या लेंगे हम पी बट्टे में 2, ये सूत्र के हिसाब से है ना। वाई का नहीं लेना है हमें, खाली एक्स का ही लेना है, क्योंकि एक्स की ज़रूरत है ना हमको। चलो 9 और 6 15 अपॉन 2 बराबर 8 प्लस पी अपॉन 2, दोनों का 2 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा तो क्या होगा 15 अपॉन 2 गुणा 2 बराबर 8 प्लस पी अपॉन 2, अरे 2 तो कट गया, 2 तो ले गया ना उधर, तो 2 2 तो कट गया ऐसे ही। ओके तो क्या बचा हमारे पास 15 बराबर 8 प्लस पी, 8 को लेफ्ट साइड ले जाए तो 15 माइनस 8 बराबर पी, तो पी बराबर क्या मिलेगा हमको 15 माइनस 8 कितना होता है 7 होता है, तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ, यस और नो?